नमस्ते। इंडिया और कनाडा से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती की खबरों के एकमात्र पोर्टल indiantimesdaily.com पर आपका स्वागत है। इसमें आपको स्थापित व्यवसायों और साधनों की जानकारी भी मिलेगी। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आज की मुख्य खबरें हैं। भारत में हाई प्रोफाइल टेक्नोक्रेट विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया और AIADMK के गुटों OPS और EPS के बीच होने वाला विलय असफल रहा। कनाडा में PM जस्टिन ट्रूडो ने पुष्टि की है कि बार्सिलोना में हुए आतंकी हमले में एक कैनेडियन मारा गया और ब्रिटिश कोलंबिया ने पूरे प्रोविंस में आपातकालीन स्थिति की मियाद और बढ़ा दी। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम भारत और कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। इंडियन म्यूजिक लैब आर्टिस्ट ऑफ द मंथ। हर महीने एक नई आवाज। इंडियन म्यूजिक लैब आर्टिस्ट ऑफ द मंथ पावर्ड बाय पतंजलि केश कांति, सिर्फ सोनी मिक्स और सोनी रॉक्स HD पर। इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। शुक्रवार को हाई प्रोफाइल टेक्नोक्रेट विशाल सिक्का ने असभ्य और दुर्भावनापूर्ण हमलों को दोषी ठहराते हुए ग्लोबल सॉफ्टवेयर की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी के बोर्ड ने भी इसके संस्थापक NR नारायणमूर्ति पर यही आरोप लगाया है। इस झगड़े के कारण इन्फोसिस का शेयर 10% नीचे गिर गया। शुक्रवार को AIADMK के गुटों OPS और EPS के बीच होने वाला विलय असफल रहा। OPS गुट ओ पन्नीरसेल्वम को CM और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने के अपने रुख पर अड़े रहे। पार्टी का मानना है कि 3 बार CM बनने के बाद पन्नीरसेल्वम को K पलनीस्वामी का डिप्टी नहीं बनाया जा सकता। शुक्रवार को वरिष्ठ अलगाववादी नेता मिरवाइज उमर फारूक ने भारत को चेतावनी दी है कि कुचलने की कोशिश से कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं निकल सकता और एक आतंकवादी की हत्या होगी तो 10 आतंकवादी और पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि लोग उनकी राजनीतिक समस्याओं के अंतिम समाधान का इंतजार कर रहे हैं जो उनके हिसाब से उनके दुखों को खत्म कर सकता है। शुक्रवार को भारत ने 15 अगस्त को लद्दाख बॉर्डर पर पेंगोंग झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की पुष्टि की। केंद्र ने यह भी कहा कि वो डोकलाम के उपवाद का समाधान खोजने के लिए चीन के साथ बातचीत जारी रखेगा। फेसबुक पर त्रिपुरा के CM मानिक सरकार के खिलाफ जारी फतवे की जाँच शुरू हो गई है। खुद को वर्ल्ड एंटी कम्युनिस्ट काउंसिल बताने वाले एक अज्ञात समूह ने त्रिपुरा के CM मानिक सरकार का सिर कलम करने वाले के लिए 5.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। RBI ने महात्मा गांधी श्रृंखला में 50 रुपए के नए नोट का अनावरण किया जिसका रंग फ्लोरोसेंट ब्लू है। हालांकि RBI ने स्पष्ट किया कि पुराने नोट भी वैध माने जाएंगे। पिछले 24 घंटों में बाढ़ की वजह से 34 और लोग मारे गए और शुक्रवार तक बिहार में मरने वालों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है। 15 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ से 1688 पंचायतों में 1.8 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बजट पैसेंजर एयरलाइन इंडिगो इंजन्स के इंपोर्ट पर GST रेट्स के बारे में कुछ स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं जिसकी उन्हें बंद पड़े अपने A320neo एयरक्राफ्ट के लिए जरूरत है। उसने ये भी कहा कि उनके प्री स्केड्यूल ऑपरेशन सामान्य हैं और सभी उड़ानें वक्त पर चल रही हैं। पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने अपने लिए राहत की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि BCCI ने उन्हें NOC नहीं दिया है जो उन्हें स्कॉटलैंड लीग खेलने के लिए स्कॉट क्रिकेट के पास जमा करानी है। उन पर लगा लाइफ बैन 7 अगस्त को हटा लिया गया है। फिल्म बरेली की बर्फी में गर्ल नेक्स्ट डोर का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कृति सेनन ने कहा है कि अपनी अभिनय प्रतिभा साबित करने के लिए एक कलाकार को डी ग्लैम भूमिका निभानी पड़ती है। दिलवाले फिल्म की इस कलाकार के अनुसार वह ऐसे किरदारों के साथ आसानी से जुड़ पाती हैं। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। indiantimesdaily.com में आपका फिर से स्वागत है और कनाडा की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। PM जस्टिन ट्रूडो ने पुष्टि की है कि बार्सिलोना में हुए आतंकी हमले में एक कैनेडियन मारा गया था और 4 घायल हो गए थे। ट्रूडो ने उनके परिवार वालों को अपना शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें तोड़ने और कमजोर करने के लिए की गई इस तरह की हिंसक घटनाएं
उन्हें उनके मकसद में और मजबूत करेंगी। ब्रिटिश कोलंबिया ने पूरे प्रोविंस में आपातकालीन स्थिति की मियाद और बढ़ा दी है, क्योंकि इस साल जंगली आग ने रिकॉर्ड इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये तीसरा विस्तार 1 सितंबर तक प्रभावी रहने की संभावना है, जिससे इसकी कुल मियाद 8 हफ्तों की हो जाएगी। नाफ्टा की इन्वायरमेंटल शाखा ये जानना चाहती है कि कैनेडा ऑयल सैंड्स का अल्बर्टा वाटरवेज में रिसाव रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है। इस साल की शुरुआत में दो इन्वायरमेंटल ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई थी और कनाडा को इस आरोप पर अगले महीने की आखिर तक अपना जवाब देना है। जनवरी के बाद से पहली बार जुलाई में सालाना महंगाई दर में वृद्धि आई है। महंगाई पर स्टैटस्कैन की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि जुलाई में गैसोलीन की कीमत में वृद्धि की मदद से इस सालाना दर में अचानक तेजी आई और ये 1.2% तक पहुँच गया। इस वीकेंड ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने वैंकूवर में एक रैली से पहले होने वाली एक हेट स्पीच की निंदा की है। हॉर्गन ने कहा कि शार्लेट्सविल में हाल ही में हुई हिंसक घटना काफी दर्दनाक थी, लेकिन सच तो ये है कि नफरत फैलाने वाले समूह कनाडा में ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होते हैं। बड़े पैमाने पर याहू ईमेल्स हैक करने वाला एक कैनेडियन प्रत्यार्पण की अपनी सुनवाई छोड़कर खुद सारे आरोपों का सामना करने के लिए यूएस जा रहा है। करीम के वकील का कहना है कि ऐसा कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है और प्रत्यार्पण की सुनवाई में ना जाने का ये मतलब नहीं है कि उसने अपना गुनाह मान लिया है। कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन पब्लिक को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि टोरंटो इवेंट बिल्कुल सुरक्षित है। आयोजकों ने कहा कि CNE के ग्राउंड के आसपास के इलाकों में ऐसी तैयारी की गई है कि वाहनों से हमला नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि स्पेन में हुआ है। टोरंटो के एक जज ने सियर कनाडा के पूर्व कर्मचारियों के लिए एक हार्डशिप फंड की मंजूरी दे दी है। इस फंड से पैसे पाने के लिए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि उनकी माली हालत खराब है और उन्हें उन पैसों की बहुत ज़्यादा और अर्जेंट ज़रूरत है। नॉर्थ एटलांटिक राइट वेल्स की सुरक्षा के लिए फेडरल द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से एक शिपिंग फर्म अपनी फीस बढ़ा रहा है। नए नियमों के अनुसार सभी जहाज़ों को स्पीड रिस्ट्रिक्शन जोन से बाहर ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करना होगा, जिससे उस जहाज़ की फ्यूल खपत में वृद्धि होगी और पोर्ट पर लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी। सोमवार के सोलर इक्लिप्स से पहले ही काफ़ी कैनेडियंस ऐसे रिटेलर्स को ढूंढने की कोशिश में लग गए हैं जिनके पास आंखों की सुरक्षा करने वाली स्पेशल ग्लासेस हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा कि बिना किसी सर्टिफाइड प्रोटेक्शन के इक्लिप्स देखने पर हमेशा के लिए आंखों की रोशनी चली जा सकती है। इसी के साथ हमारा न्यूज़ बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी कैनेडियन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे। Get the mortgage that's best for you from Abdul Kaiser, Principal Broker of Ingenious Mortgages. We offer first and second mortgages and refinancing. We deal with multiple lenders. We also conduct the REMIC course and exam to become a mortgage agent in just 1 week at our location. Call us at 416-887-9196 or log on to www.ingeniousmortgages.ca. आयुष्मान खुराना एंड भूमि पेडनेकर स्टार शुभ मंगल सावधान विच टचेस अपॉन इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्री मैरिटल सेक्स आर ऑल सेट टू मेक यू लाफ नेक्स्ट मंथ। द लीड ऑफ द फिल्म भूमि हु इज एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा विच ऑल्सो स्टार्स अक्षय कुमार ओपनली टॉक्स अबाउट द सेंसिटिव इशू इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड सेड यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट इशू जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है लड़कों में उसे सॉर्ट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जहाँ पे हम दिखाते हैं हाउ एज अ कपल ये दोनों उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। ये इतना बड़ा टैबू है हमारी सोसाइटी में कि यू नो लड़कों का यूजली मजाक उड़ाया जाता है, उनको नामर्द बोला जाता है अगर उनके साथ ऐसे इशूज हो गए, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। ये इतना कॉमन है जैसे यू माइट गेट अ फ्रैक्चर और रनिंग नोज, और हम इस फिल्म में बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं। एंड आई थिंक बाकी आयुष्मान आई थिंक यही इसमें बताया गया कि मर्दानगी सिर्फ वो नहीं होता है, मर्दानगी होती है कि आप किन इश्यूज़ पे अपना स्टैंड लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए खड़े होते हैं या फिर अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए या फिर जिंदगी में किस इश्यूज़ के लिए आप एक फर्म स्टैंड लेते हैं। तो मर्दानगी उन चीज़ों के बारे में होती है, अपने कैरेक्टर को लेकर या फिर आप कितने शिविलरस हैं, औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो मर्दानगी होती है। तो इस बारे में हमने खुल के बात की इस फिल्म के अंदर, और इस फिल्म को देखने के बाद आई थिंक सोसाइटी में ज़्यादा खुलकर इस बारे में बात होगी जो होनी भी चाहिए। The director along with the cast of the film was present at the radio station for the release of an unplugged version of the song Kana sung by Ayushman Khurana.
Scans Accounting. A team of highly professional accountants, we deliver quality and immeasurable assistance to our clients. For Canada audit assistance and your business loans, the only name you can trust. A professional accountant always makes a difference. For more information, call us at 416-741-0801 or visit us at scansaccountants.com. Global sensation Priyanka Chopra, who of late got trolled for wearing a tricolour scarf, was spotted on the Mumbai airport last night. PC, who wished her fans and audiences on India's 71st independence, was shamed for donning the Indian flag around her neck with comments like, "Please don't return to India again," and "Shameless." Well, Priyanka decided to ignore all such haters and returns to her hometown. This is not the first time she was trolled. Few days back, she was shamed for meeting the Indian Prime Minister Narendra Modi in short dress. Well, haters will keep saying what they have to, but seems like nothing's going to stop this diva from doing what she does best. Meanwhile, the lady has completed her schedule for her Hollywood flick Isn't It Romantic, and now let's hope she announces some of her Bollywood projects soon.